जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पर सत्य डिगर के साथ आपके सामने मौत। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से जबरदस्त तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में होने वाली है बड़ी रैली दोस्तों, बताएंगे किस तरीके की पूरी अपडेट है। साथ में राजस्थान के अंदर बीजेपी में आपस में ही फूट देखने को मिल रही है, नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयान देना भी शुरू कर दिया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को पूरे देश भर के अंदर ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू कर देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पांच राज्यों के चुनाव से तस्वीर साफ हो गई है कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को और मजबूती के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। और यही बड़ा कारण है कि अब विपक्षी गठबंधन कई सारी ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के अंदर पहले रैली करेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाके में 24 दिसंबर को नीतीश कुमार रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे और इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है। कुर्मी समाज के वोटों को एक साथ करने के लिए अखिलेश यादव की ओर से नीतीश कुमार की रैली कराई जा रही है दोस्तों। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के भी बड़े दिग्गज नेता मौजूद रह सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इलाके से भव्य रैली की जा रही है शुरुआत। इसके बाद 21 जनवरी को झारखंड के हजारीबाग के अंदर भी बड़ी रैली होने वाली है। नीतीश कुमार इस रैली का नेतृत्व करते दिखाई देंगे। यूपी जेडीयू की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि जेडीयू की तरफ से ये रैली प्रस्तावित की गई है। इसमें इंडिया गठबंधन के और भी लोग मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी को वाराणसी के अंदर चुनौती दी जा रही है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि पूरा इंडिया गठबंधन इस रैली को सफल बनाकर बीजेपी को एक बड़ा मैसेज देने वाला है। 17 तारीख को दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद 21 तारीख को यह भव्य रैली उत्तर प्रदेश के अंदर की जाने वाली है। दोस्तों जगह जगह रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। बड़े बड़े नेता एक साथ मिलकर हर प्रदेश की राजधानी के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे और इसके बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर पार्टियों की ओर से अपने नेताओं को एकजुट करके रैली निकालने की पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दरअसल दोस्तों बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के संगठन मंत्री ने इसकी पुष्टि की है। फूलपुर वाराणसी अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। प्रतापगढ़ से भी नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने पर चर्चा चल रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के एजेंडे में जाति और धर्म दोनों है, हमारे एजेंडे में भाईचारा और प्रेम है। इसी के साथ में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रवेशकों की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गहमागहमी फिर से तेज हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल तिजारा विधानसभा से बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी दावेदारी से पैर पीछे खींच लिए हैं। योगी बालकनाथ की ओर से ट्वीट करते लिखा गया कि पार्टी व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें, मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है इसके बाद कहा जा सकता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की दौड़ से अपने आप को बाहर कर लिया है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी आला कमान की ओर से मिल रही जानकारी की माने तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर पार्टी ने माना है कि राजस्थान के अंदर पार्टी के लिए स्थिति काफी अच्छी थी, पॉजिटिव रवैया था जनता के बीच में पार्टी को लेकर, लेकिन जो मोमेंटम को कन्वर्ट किया जाना चाहिए था वो नेतृत्व नहीं कर पाया, खासकर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाए। पार्टी को मोमेंटम मिला था लेकिन उसे जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा को कहा है कि 2024 के चुनाव में तत्काल लग जाइए, जितनी जल्दी हो कार्यक्रम शुरू कीजिए 2024 के चुनाव को लेकर। साथ साथ पंजाब में तरन तारण के अंदर आरएसएस प्रचारक को शाखा बंद करने की मिली धमकी, विदेशी नंबर से आया कॉल, पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। पंजाब के तरन तारण के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को धमकी देने का मामला सामने आया है। आरएसएस प्रचारक रविंदर पाल सिंह को विदेशी नंबर से फोन आया है। पहली बार रविंदर पाल सिंह के फोन आई तो उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब दूसरी बार आरएसएस प्रचारकों को कॉल आई तो इसके बाद इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। आरएसएस प्रचारक रविंदर सिंह पाल कहते हैं कि विदेश से उनको धमकी मिल रही है। साथ साथ दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा की टिप्पणी, कहा वसुंधरा के लिए विधायकों की बयानबाजी उचित नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं, लोकसभा का चुनाव को देखते हुए तय किया जाएगा मुख्यमंत्री। यानी किरोड़ीलाल मीणा को भी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चाएं चल रही है, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की है वसुंधरा राजे के समर्थन में विधायकों की टिप्पणी की आलोचना की है। ये स्पष्ट तौर पर वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा के बीच में 36 के आंकड़े को स्पष्ट करता है दोस्तों। यानी दोनों नेताओं के बीच में राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके से आपस में फूट पड़ी रहती है और दो अलग अलग गुट हैं। शायद मौका मिल गया है किरोड़ीलाल मीणा को वसुंधरा राजे पर टिप्पणी करने का और उन्होंने निशाना भी साध दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पार्लियामेंट के अंदर मीनाक्षी लेखी दावा करती है कि जो सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन द्वारा और इसका जवाब जब मंत्रालय की ओर से दिया गया तो जो जवाब मंत्रालय ने दिया है उस पर मिनिस्टर ने साइन नहीं की है। यह जानकारी खुद बीजेपी की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिया है। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि बिना मंत्री के पूछे जवाब कैसे दिया गया, बिना मंत्री के सिग्नेचर के संसद में सवाल का जवाब किसने दिया है।
है ये स्पष्ट तौर पर प्रिविलेज का उल्लंघन है और मंत्री के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों इस मामले को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रेवंत रेड्डी की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। रेवंत रेड्डी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी मिला है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी को मिली है। साथ साथ डेप्टी सीएम को फाइनेंस और प्लानिंग दी गई है। एनर्जी भी मिला है। एन उत्तम कुमार रेड्डी को इरिगेशन और सीएडी की मिनिस्ट्री मिली है। फूड एंड सप्लाई भी इन्हीं को मिला है। सी दामोदर राज नरसिम्हन को हेल्थ मेडिकल और फैमिली वेलफेयर मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी भी इन्हीं के हाथ में है। कुमारी रेड्डी वेंकट रेड्डी को रोड और बिल्डिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सिनेमेटोग्राफी की भी जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोगों को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।